नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं शेफ आसिफ सोहरवर्दी। आज हम चिकन कढ़ाई बनाएंगे। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जो अज्जा हम दरकार हैं वो हैं चिकन आधा किलो, ऑयल एक कप, नमक एक खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर एक खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक चाय का चम्मच, धनिया पाउडर दो खाने के चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई एक खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट तीन खाने के चम्मच, टमाटर दो बड़े ब्लेंड किए हुए, शान कढ़ाई मसाला दो टेबलस्पून यानी दो खाने के चम्मच, लेमन जूस लीमू का रस एक खाने का चम्मच, हरी मिर्चें बड़ी 8 से 9 तक। तरकीब, एक बोल में कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया, लाल मिर्च पाउडर यानी पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और एक साइड पर रख दें। एक पतीले के अंदर ऑयल डालकर थोड़ा सा गर्म करें, फिर उसमें चिकन डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। उसी चिकन के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करें। फिर इसमें टमाटर जो कि हमने पहले ग्राइंड कर लिए थे वो डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करें। इसमें 2 खाने के चम्मच शान कढ़ाई मसाला डालें और अच्छी तरीके से मिक्स करें। ढककर हल्की आंच पे 6 से 8 मिनट के लिए पकाएं। फिर इसमें तैयार हुआ हुआ मसाला शामिल करें, लीमू का रस शामिल करें और हरी वाली बड़ी मिर्चें काटकर बीज निकालकर शामिल करें। उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए इसे मजीद पकाएं और दम दें। दम के बाद आप इसे गरम तंदूर की रोटियों के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।